हेलो दोस्तों, वीडियो का टाइटल पढ़ के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप 2019 टीम इंडिया प्लेयर्स की एनुअल सैलरी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन रोहित शर्मा उन तीन क्रिकेटर्स में से है जो बीसीसीआई के टॉप रैंकिंग में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रेड ए प्लस के साथ रोहित बीसीसीआई से कमाते हैं 5 करोड़ रुपए और साथ ही में उनके आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस से वो कमाते हैं पूरे 15 करोड़। कुल मिला के इनकी सैलरी होती है 20 करोड़। रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने वाले शिखर धवन अपने नए टीम दिल्ली कैपिटल से कमाते हैं 5.2 करोड़ और बीसीसीआई से ग्रेड ए रैंक लेकर इन्हें मिलते हैं 5 करोड़। तो इनका टोटल सैलरी बन जाता है दोस्तों 10.2 करोड़। कर्नाटका के स्टाइलिश क्रिकेटर जो कि थे लास्ट आईपीएल के सबसे एक्सपेंसिव बैट्समैन। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल ने आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से कमाए थे पूरे 11 करोड़ और बीसीसीआई के ग्रेड बी क्रिकेटर होके इन्हें मिलते हैं 3 करोड़ रुपए। तो कुल मिला के इनका सैलरी हो जाता है 14 करोड़। सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले और अपने बैट से अपोनेंट्स के छक्के छुड़ा देने वाले ये भारतीय कप्तान आईपीएल हिस्ट्री के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से इन्हें मिलते हैं पूरे 17 करोड़ और बीसीसीआई से भी ये ग्रेड ए प्लस प्लेयर होके कमाते हैं पूरे 7 करोड़। कुल मिला के इनका सैलरी हो जाता है 24 करोड़। इंडियन क्रिकेट टीम की शान जो खेलते कम ही ओवर्स है पर अपने जलवे दिखाने से चूकते नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माही यानी महेंद्र सिंह धोनी की। चेन्नई सुपर किंग्स से ये कमाते हैं लगभग 15 करोड़ और बीसीसीआई के ग्रेड ए प्लेयर होके ये कमा लेते हैं 5 करोड़। तो कुल मिला के इनका सैलरी हो जाता है 20 करोड़। केदार जाधव एक ऑलराउंडर होके भी बीसीसीआई के ग्रेड सी प्लेयर्स की लिस्ट में आते हैं और सालाना 1 करोड़ कमाते हैं पर आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट में चेन्नई सुपर किंग्स से ये कमा लेते हैं लगभग 7.8 करोड़। तो दोस्तों इनका टोटल हो जाता है 8.8 करोड़। इंडिया के वर्ल्ड कप टीम में लास्ट मिनट एंट्री करने वाले विजय शंकर अकेले ऐसे प्लेयर हैं जिनका बीसीसीआई के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पर ये ऑलराउंडर अपने आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से कमा लेते हैं 3.2 करोड़। इंडियन क्रिकेट टीम के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक हार्दिक पांड्या अपने आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट में मुंबई इंडियंस से कमा लेते हैं 11 करोड़ और बीसीसीआई में ये ग्रेड बी प्लेयर होके कमा लेते हैं 3 करोड़। तो दोस्तों इनकी टोटल सैलरी हो जाती है 14 करोड़। कुलदीप यादव बीसीसीआई से ग्रेड ए लेकर कमा लेते हैं सालाना 5 करोड़ और उनके आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से उनको मिलता है 5.8 करोड़। तो कुल मिला के उनका सैलरी हो जाता है 10.8 करोड़। चाहल ने अपने पिछले साल के आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट में टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से कमाए थे 6 करोड़ और बीसीसीआई से ग्रेड बी प्लेयर होके ये कमा लेते हैं 3 करोड़। तो इनका टोटल हो जाता है 9 करोड़। टी20 मैचेस में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले भुवनेश्वर कुमार बीसीसीआई के ग्रेड ए प्लेयर्स में से है। बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट से ये कमा लेते हैं 5 करोड़ और आईपीएल के सबसे एक्सपेंसिव बॉलर होके सनराइजर्स हैदराबाद से इन्हें मिलते हैं 8.5 करोड़। तो इनका टोटल सैलरी हो जाता है 13.5 करोड़। 3 साल के बाद कमबैक किए मोहम्मद शमी बीसीसीआई से ग्रेड ए प्लेयर होके अपने 6 महीनों के कॉन्ट्रैक्ट से कमा लेते हैं 5 करोड़। अपने आईपीएल टीम किंग्स इलेवन पंजाब से ये कमाते हैं 4.8 करोड़। इनका टोटल सैलरी हो जाता है 9.8 करोड़। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के फास्टर बॉलर जसप्रीत बुमराह अपने परफॉर्मेंस की वजह से बीसीसीआई से ग्रेड ए प्लस रैंक लेके विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ खड़े होते हैं। बीसीसीआई से इनकी इनकम 7 करोड़ रुपीज है और आईपीएल से ये 7 करोड़ कमाते हैं। तो इनका सालाना सैलरी हो जाता है 14 करोड़। इंडियन क्रिकेट टीम के ये ऑलराउंडर बीसीसीआई से ग्रेड ए लेकर कमाते हैं साल के 5 करोड़ और आईपीएल में टीम चेन्नई सुपर किंग्स से ये कमा लेते हैं 7 करोड़। तो दोस्तों इनकी टोटल सैलरी हो जाती है 12 करोड़। दिनेश कार्तिक के बारे में टीम सिलेक्शन के समय बहुत कुछ बोला गया पर ये वर्ल्ड कप के टीम इंडिया स्क्वाड में अपनी जगह डिजर्व करते थे। ग्रेड सी प्लेयर होके ये बीसीसीआई से 1 करोड़ कमाते हैं और अपने आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से ये कमा लेते हैं 7.4 करोड़। तो इनका टोटल सैलरी हो जाता है 8.4 करोड़। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। इस वीडियो में हमने सभी प्लेयर्स के एनुअल सैलरी के बारे में बताया। इस सैलरी के अलावा एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग से इंडियन क्रिकेटर्स और भी ज़्यादा कमा लेते हैं।
जो कि हमने हमारे वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमें सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और चैनल के बारे में सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।